हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग HTML टेबल रॉ एलिमेंट के बारे में जानेंगे। दी HTML टेबल रॉ एलिमेंट इंटरफेस प्रोवाइड्स स्पेशल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रॉज इन एन HTML टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि HTML टेबल रॉ एलिमेंट इंटरफेस जो हमें प्रोवाइड करता है ऐसी प्रॉपर्टीज और ऐसे मेथड्स जिसका इस्तेमाल करके आप HTML टेबल के रॉज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सेल्स है, सेल्स सभी कीवर्ड स्मॉल में है, मतलब सभी लेटर स्मॉल में है। देन रॉ इंडेक्स आई कैपिटल में है। इस तरीके से सेक्शन रॉ इंडेक्स, इसमें रॉ का आर कैपिटल है, इंडेक्स का आई कैपिटल है। अगर मेथड्स की बात करें तो मेथड्स आपको मिलता है इसमें इंसर्ट सेल और डिलीट सेल, सेल का सी कैपिटल है, ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं थ्योरेटिकली, देन हम लोग प्रैक्टिकल में इसको डिटेल में देखेंगे। सेल्स प्रॉपर्टी क्या है? इट रिटर्न्स अ लाइव कलेक्शन, लाइव HTML कलेक्शन कंटेनिंग द सेल्स इन द रॉ, यानी कि एक रॉ में कितने सेल्स हैं वह ये रिटर्न करता है, उसका कलेक्शन आपको रिटर्न करके देगा। द HTML कलेक्शन इज लाइव एंड इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड व्हेन सेल्स आर एडेड और रिमूव्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है रॉ इंडेक्स। इट रिटर्न्स अ लॉन्ग वैल्यू विच गिव्स द लॉजिकल पोजिशन ऑफ द रॉ विद इन द इंटायर टेबल। इफ द रॉ इज नॉट पार्ट ऑफ अ टेबल रिटर्न्स -1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है सेक्शन रॉ इंडेक्स। इट रिटर्न्स अ लॉन्ग वैल्यू विच गिव्स द लॉजिकल पोजिशन ऑफ द रॉ विद इन द टेबल सेक्शन इट बिलोंग्स टू। इफ द रॉ इज नॉट पार्ट ऑफ अ सेक्शन रिटर्न्स -1। इस तरीके से मेथड है हमारा, पहला मेथड हमारा है इंसर्ट सेल। दिस मेथड इंसर्ट्स अ न्यू सेल इन टू अ टेबल रॉ। ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है ये। यही मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं एक रॉ में, और इसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी और बातें करेंगे। एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू दी सेल, यानी कि जो भी सेल इंसर्ट हो रहा है उसका रेफरेंस रिटर्न करता है, उसको आप किसी वेरिएबल में फर्दर स्टोर कर सकते हैं। सेंटेक्स को जिस तरीके से वायर लिखा, सेल लिखा, इक्वल HTML टेबल रॉ एलिमेंट डॉट इंसर्ट सेल, और बिटवीन पैरेंथेसिस आपको यहाँ इंडेक्स नंबर लिखना है। ये पूरा इंडेक्स इक्वल -1 ऐसा नहीं लिखना, सिंपली आपको इंडेक्स नंबर लिख देना है, ठीक है। इस सेंटेक्स में HTML टेबल रॉ क्या है? इसमें HTML टेबल रॉ एलिमेंट इज अ रेफरेंस टू एन HTML टेबल रॉ एलिमेंट, यानी कि आपको पहले रॉ को एक्सेस करना पड़ेगा। देखिए, आपको पहले टेबल एक्सेस करना है, टेबल से रॉ एक्सेस करना है, रॉ एक्सेस करने के बाद आप उसमें सेल्स के लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट रॉ एक्सेस कर लीजिए आईडी के थ्रू, उसके बाद आप सेल का काम कर सकते हैं। तो ये पूरा चेन बनेगा इसमें। इंडेक्स इसमें क्या है? इंडेक्स इज द सेल इंडेक्स ऑफ द न्यू सेल। सेल क्या है इसमें? सेल इज असाइंड अ रेफरेंस टू द न्यू सेल, यानी कि यहाँ वाले सेल की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ये एक वेरिएबल नाम की तरह है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन इफ इंडेक्स इज -1, अगर आप इंडेक्स में यहाँ -1 सिर्फ लिख देते हैं, तो -1 लिखिए या फिर इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स। मान लीजिए कि नंबर ऑफ सेल्स 4 है आपके टेबल में, आपके रॉ में 4 है, तो आप वहाँ 4 लिखते हैं फिर -1 लिखते हैं, तो उस केस में नया सेल जो होगा वह एट द एंड, यानी कि लास्ट में जाकर अपेंड होगा। अगर आप इंडेक्स नंबर जितना सेल है उससे ज़्यादा अगर आप इंडेक्स नंबर लिख देते हैं, तो उस केस में एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि होगा इंडेक्स साइज एरर। अगर इंडेक्स नंबर आप नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखा, तो उस केस में उसको बाय डिफ़ॉल्ट -1 माना जाएगा। लेकिन ऐसा रिकमेंडेड है कि आप यहाँ इंडेक्स नंबर ज़रूर लिखिए, आप को अगर लास्ट में देना है तो इसको ऑमिट मत कीजिए, इसको आप -1 लिखिए, बिकॉज डिफरेंट ब्राउजर्स डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्रोम इसको -1 मानता है तो सफारी इसको 0 मानने लगता है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उससे अच्छा है कि ब्राउज़र में डिपेंड हो, उससे अच्छा है कि आप अपना यहाँ डिफाइन कर दें। नेक्स्ट मेथड हमारा है डिलीट मेथड, और ये सेल को रिमूव करने का काम करते हैं। इसमें आप बिटवीन पैरेंथेसिस उसको पोजीशन देते हैं कि किस पोजीशन को डिलीट करना है, और उस सेल को ये डिलीट कर देता है। सो थियोरेटिकली इतनी बातें करते हैं और आते हैं अभी प्रैक्टिकल में। HTML का पहले कोड देख लीजिए। डॉक टाइप HTML, हेड के अंदर टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी के अंदर टेबल, टेबल का बॉर्डर 1, इस टेबल का मैंने आईडी दिया हुआ है माई टैब, कैप्शन दिया है इस टेबल का जो कि ज़रूरी नहीं है इस एग्जांपल के लिए, मगर फिर भी लिख दिया है मैंने। देन टी हेड, टी आर के अंदर 3 TH लिखा हुआ है,
यहाँ टी आर बन, यहाँ से टी हेड बन, यहाँ से टी बॉडी शुरू, टी बॉडी का मैंने आईडी लिखा हुआ है माई टी बॉडी, और यहाँ से टी आर स्टार्ट, ये पहला रो टी बॉडी का के अंदर का पहला रो है, और इसके अंदर ये दूसरा रो है, और सभी के अंदर कुछ ना कुछ डेटा लिखा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे टी डी में मैंने आईडी दिया हुआ है माई टी डी, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे मे बी, इसीलिए हम मैंने यहाँ इसको लिखा हुआ है। सो यहाँ से टी बॉडी ख़त्म, यहाँ से टी फुट स्टार्ट, टी फुट के अंदर ये टी आर है और इसके अंदर तीन डेटा है, देन टी फुट ख़त्म, आपका टेबल बंद, और यहाँ से स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट मैंने एक पहले से लिख के रखा हुआ है, स्क्रिप्ट बंद, बॉडी बंद और एच टी एम एल बंद। अभी हम लोग सेल्स प्रॉपर्टी को सबसे पहले देखेंगे, देन हम लोग इसके मेथड्स के बारे में यानी कि इंसर्ट सेल और डिलीट सेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सेल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। सेल होता है रॉ के अंदर, तो पहले आपको रॉ तक पहुंचना पड़ेगा अगर आप सेल का काम करना चाहते हैं। तो इसी इसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैंने टेबल को एक्सेस कर लिया है। माई टैब क्या है, माई टैब मेरे टेबल का आईडी है, यहाँ देखिए इस टेबल का आईडी है माई टैब, तो मैं टेबल तक मैंने एक्सेस ले लिया। माई टेबल में क्या है, मेरा टेबल है। अब इस टेबल से हम लोग उस रॉ तक जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग रॉज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई रॉ इक्वल माई टेबल का रॉज, तो ये मुझे रिटर्न करके देगा जितना भी मेरे टेबल में रॉज हैं सभी को ये रिटर्न करके इसमें देगा। अगर आप अभी कॉन्सोल डॉट लॉग करके इसमें माई रॉ देखेंगे तो आपको यहाँ रॉज दिखाई देंगे। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ आपको ये जीरो इंडेक्स पर पहला रो, दूसरा, तीसरा और चौथा रो, आपको चारों रोज यहाँ दिखाई देते हैं जो कि है माय रोज इस वेरिएबल में। ये इसमें क्या है, इसमें एच टी एम एल कलेक्शन है, किस चीज़ का, रोज का। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हटा देते हैं, बट ये हम लोगों ने देखा इसी जानकारी के लिए। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें सेल्स है, सेल्स में एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेंथ, इससे आप जान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रॉ में कितने सेल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जानना है, मेरा ये टेबल है, इस मुझे जानना है कि इस रॉ में कितने सेल हैं, इस रॉ में, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, इसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन रॉ तक जाना है आपको, माय रॉ, और कौन से रॉ में, जीरो इंडेक्स वाले रॉ में, तो उसमें मैंने ज़ीरो लिख दिया। देन सेल्स प्रॉपर्टी लिखिए और इसके साथ अपेंड कर दीजिए आप लेंथ प्रॉपर्टी को, तो ये आपको बता देगा कि ज़ीरोथ रॉ में प्रोग्राम के लिए जो ज़ीरो है वो हमारे लिए वन है, याद रखिएगा, यानी कि हमारे लिए जो वन है वो प्रोग्राम के लिए, मशीन के लिए ज़ीरो है। सो ज़ीरोथ रॉ में सेल्स की लेंथ क्या है ये आपको जानकारी मिलेगी। इसको सेव कर दें, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ आप देख पाएंगे आपको थ्री मिलता है, यानी कि ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, क्लियर है। उसी तरीके से कोई भी रॉ देखें तो आपको सेम मिलेगा। ये हमारा ज़ीरोथ रॉ है, ये हमारा फर्स्ट रॉ है, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड रॉ है, याद रखिएगा। ये मशीन के लिए, हमारे लिए ह्यूमन के लिए यही यहीं से फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मशीन के लिए ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो ये था लेंथ निकालना कि कैसे आप रॉ के अंदर कितने सेल्स हैं उसको काउंट कर सकते हैं। अभी एक पर्टिकुलर सेल को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स, जिस तरीके से आप रॉ को एक्सेस करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ भी ज़ीरो लिखिए। तो ये कह रहा है कि ज़ीरोथ रॉ में ज़ीरोथ सेल को एक्सेस करो। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ एक सेल एक्सेस होकर दिखाई देगा जो कि है, ये हमारा ज़ीरोथ रॉ है और ये हमारा ज़ीरोथ सेल है। उसी तरीके से ये हमारा ज़ीरोथ रॉ का फर्स्ट सेल होगा, उसी तरीके से ज़ीरोथ रॉ का ये हमारा सेकंड सेल होगा, उसी तरीके से ये फर्स्ट रॉ का ज़ीरोथ सेल, ये फर्स्ट रॉ का फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट रॉ का सेकेंड सेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ PHP को, तो ये इसका कैसे काउंट करेंगे आप, देखिए ये है ज़ीरो, ये वन, ये टू, यानी कि सेकंड रॉ का सेकंड सेल, तो टू टू अगर आप लिख देते हैं, यहाँ टू टू मैंने लिखा, अगर इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आपको PHP यहाँ एक्सेस होकर दिखाई देगा। इसके अलावा एक और तरीका है आइटम का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइटम प्रॉपर्टी का। आइटम
और यहाँ ये भी इंडेक्स की तरह ही काम करता है, आप ज़ीरो लिखिए तो ये एक्सेस करके आपको देगा सेकंड रो का जीरोथ सेल। सेव किया मैंने, सेव करने के देखिए सेकंड रो ये हमारा है, इसका जीरोथ सेल क्या 22, तो आपको 22 यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, तो हम लोगों ने एक इंडिविजुअल सेल को एक्सेस करना सीखा इस चीज़ से। अब एक और तरीका है, अगर आप आईडी वाइज या फिर नेम वाइज, जैसे कि इसको, इस सेल को आप एक्सेस कर सकते हैं सेल नंबर ना देकर, यानी कि सेल का पोजीशन ना देकर, इंडेक्स नंबर ना देकर इस आईडी के थ्रू। तो कैसे करेंगे उसको देखिए, यहाँ आपको लिखना है नेम्ड आइटम, आइटम की जगह क्या लिखना, नेम्ड आइटम, आइटम का आई यहाँ कैपिटल होगा। देन यहाँ पर आपको लिखना है आईडी का नाम, सो क्या है माई टी डी। सेव कीजिए, देखिए यहाँ माई, यहाँ होगा माई टी डी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पीएचपी दिखाई देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रोज को परफेक्ट डिफाइन करना है, अदरवाइज़ ये एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ रो को परफेक्ट लिखा है, मुझे पता है कि माई टी डी जो है वो सेकेंड रो में ही है, सेकेंड रो में। अगर मैं इस जगह अगर फर्स्ट रो कर दूं तो फिर ये एक्सेस होकर आपको नहीं दिखाई देगा, नल दिखाई दे रहा है। वाई? बिकॉज फर्स्ट रो ये है, अब इसमें कहीं भी माई टी डी नाम का कोई भी नहीं है। ये रॉ पर, रॉ तक आपको इसको लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद ये सेल का काम करेगा। आप, मैंने यहाँ रॉ ही गलत डिफाइन कर दिया तो फिर सेल नेम्ड तो ये काम करेगा नहीं, इसलिए रॉ आपको सही डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वह हो सकती है। सो अगर आप यहाँ टू कर दें तो ये फिर प्रॉपर काम करेगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखेंगे ये सेकंड रो है हमारा और इसमें माई टी डी इस पीएचपी में है, तो आपको यहाँ पीएचपी दिखाई दे रहा है। अभी हमने सिर्फ सेल को एक्सेस करना सीखा। मान लीजिए मुझे सेल के अंदर के कंटेंट को एक्सेस करना है, कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सेल एक्सेस हो रहा है, पूरा एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा एलिमेंट ना एक्सेस करके इसके अंदर का जो कॉन्टेंट है, जो ये पीएचपी लिखा हुआ है, इस कॉन्टेंट को एक्सेस करना है, इस पीएचपी को एक्सेस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इनर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे। इनर एचटीएमएल का हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ क्या करता हूँ कि आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मुझे एक्सेस करना है सेकंड रो के फर्स्ट सेल को, देखिए जीरोथ सेल देन फर्स्ट सेल, और इसमें मैं लिख दूंगा इनर एचटीएमएल। या फिर पहले मैं आपको इतना करके दिखाता हूँ, इस सेल में रिप्रेस किया तो हमें सोनम यहाँ मिल रही है। ये क्या है, सेकेंड रो की फर्स्ट सेल है, सेकेंड रो की फर्स्ट सेल, ये हमारा पूरा सेकेंड रो है और इस पूरे सेकेंड रो का ये फर्स्ट सेल है सोनम। तो ये पूरा एलिमेंट मिल रहा है, मुझे पूरा एलिमेंट नहीं, इसके अंदर का सिर्फ कंटेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं डॉट इनर एच टी एम एल लिख दूँगा। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आपको सिर्फ सोनम यहाँ दिखाई देगी। इसको आप डॉक्यूमेंट ट्राइट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सोनम की जगह, जो मैंने अभी एक्सेस किया, मुझे सोनम नहीं चाहिए, सोनम की जगह मुझे कुछ और चाहिए, मान लीजिए गी की सोच चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा हम लोगों ने एक्सेस किया था तो इसी को कट कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पेस्ट कर दें, ये अभी यहाँ किसी काम का नहीं है। देखिए इस चीज़ से हम लोग उसके कॉन्टेंट तक पहुँच जाते हैं, वहाँ सिंपली क्या करना है, नया वैल्यू आपको असाइन कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने असाइन कर दिया गी की सोच। सेव करें इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो सोनम की जगह आपको गिकी सोस दिखाई देगा। ओके, सो इस तरीके से एक स्पेसिफिक सेल को आप एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखिए, या फिर आइटम के साथ साथ आप उसका इंडेक्स नंबर लिखिए, या फिर नेम्ड आइटम का आप यूज़ कीजिए। इन सभी के साथ आप सेल को एक्सेस कर सकते हैं, और सेल के कॉन्टेंट को एक्सेस करना है तो सेल को एक्सेस करने के बाद इनर एच टी एम एल का यूज़ कीजिए, और अगर मॉडिफाई करना है तो इनर एच टी एम एल के साथ उसमें नया वैल्यू जो भी असाइन करना है, जो भी मॉडिफाई करना है, वह आप कर सकते हैं आसानी से। ये थी प्रॉपर्टीज़ सेल की कहानी। अभी हम लोग बात करेंगे मेथड इंसर्ट सेल की। हम लोग जानते हैं कि अगर आपको सेल में काम करना है तो पहले रॉ तक पहुँचना पड़ेगा, तो मैं रॉ तक पहुँच कर पहले से हाजिर हूँ। अभी हमें क्या करना है, एक नया सेल इंसर्ट करना है। ये रिटर्न भी करता है जो नया सेल होगा, तो उसको लोग एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं,
ये हो गया माई सेल, या फिर माई न्यू सेल आप लिख सकते हैं, या फिर माई सेल ये रहने देते हैं, बड़ा सा नाम नहीं लिखते हैं। और हमें कहाँ कहाँ नया सेल इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है रॉ में, यानी कि मेरा जो रॉ है उसके फर्स्ट रॉ में, यानी कि जीरोथ रॉ में, उसमें इंसर्ट सेल करो, सेल का सी कैपिटल किस पोजीशन पर करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ थर्ड लिख दिया, इंसर्ट का टी गायब है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे आपका एक एम्प्टी सेल इंसर्ट होता है। अगर अभी हम लोग इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जस्ट कोर्स के बगल में यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बहुत ही पतला सा आपको दिखाई देगा। होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर सकूँ तो आपको बेहतर तरीके से दिखे। यहाँ पर जो ये है, ये एक्चुअली में एक सेल आया है, ये जीरोथ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। थ्री हम लोगों ने पोजिशन दिया था, सो थर्ड पोजिशन पर ये एक नया सेल बना है। ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा जीरोथ रो है और ये थर्ड सेल है। जूम आउट कर देता हूँ मैं। सो इस लाइन से हमारा क्या होता है, एक एम्प्टी सेल, यानी कि सेल के अंदर कोई डेटा नहीं है, बस सेल बना है। अगर आपको देखना है कि क्या बना है, तो उसके लिए कॉन्सोल डॉट लॉग और यहाँ माई सेल कर लेते हैं, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो कॉन्सोल में आपको देखने को मिल जाएगा एक नया टी डी जो कि एम्प्टी है। और यहाँ पर देखिएगा, आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं फिर से, देखिए यहाँ जब मैं कर्सर लेकर जाऊँगा तो ये पोर्शन जो हाईलाइट हो जाएगा, देखिए हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ क्या बना, एक टी डी बना है एक्चुअली में, इंटरनली आपको टी डी बनाकर ये देता है। सो सेल तो बन गया, अब इस सेल में मुझे डेटा डालना है, तो कैसे डालेंगे, सिंपल सा तरीका है। माई सेल में आपका नया सेल है तो माई सेल लिखिए, या फिर जो भी आपने वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा, यानी कि जिसमें टी डी है उसको लिखिए, डॉट लिखिए और इनर एच टी एम एल इक्वल जो भी आपका वैल्यू होगा वो आप लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया न्यू सेल, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा न्यू सेल जो कि इंसर्ट हुआ है। सो इस तरीके से आप नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप इनर एचटीएमएल की जगह टेक्स्ट कंटेंट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो ये भी आपका काम करेगा। लेकिन यही है कि टेक्स्ट कंटेंट अगर आप लिखते हैं तो कोई भी एचटीएमएल आप नहीं लिख पाएंगे, आपको सिंपली टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। अगर आपको एचटीएमएल चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। ये तो हमारा हो गया कि आप किस तरीके से एक नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर। रॉ को एक्सेस करना है और उस रॉ के साथ इंसर्ट सेल का इंडेक्स देना है, यानी कि पोजीशन देना है कहाँ पर आपको नया सेल इंसर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेल आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल सेल इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल माई सेल वन है, मैं एक और सेल बनाता हूँ माई सेल टू और इसको मैं इंसर्ट करूँगा फर्स्ट रॉ में और इंसर्ट सेल थर्ड पोजीशन में यही रखते हैं। और इसमें हम लोग एक नया वैल्यू असाइन कर देंगे, क्या माई सेल ये वन हो जाएगा और इसको हम लोग टू कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर चीज़ लिखते हैं, जैसे कि कोर्स था, कोर्स के बाद फीस लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या फीस 10,000 रुपीज़। ओके, देखते हैं कि इससे इतना में हमारा क्या दिखाई दे रहा है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आप यहाँ देखें, यहाँ आपको फीस दिखाई देगा, देन यहाँ आपको 10,000। उसी तरीके से आप यहाँ इसका एक सेल बनाइए और इसका एक सेल बनाइए और वहाँ कॉन्टेंट्स एड कीजिए। सो सेल एक और सेल बनाइए, उसमें इंसर्ट कीजिए, बस आपको रॉ चेंज करना है। पहले हम लोगों ने जीरो थ्रो में किया, देन फर्स्ट रो में, इस तरीके से सेकेंड रो में कीजिए और थर्ड रो में कीजिए और बनाइए इसको, एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। अभी हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे जो कि हमारा है डिलीट सेल। तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें मैं हटा देता हूँ और सिंपली डिलीट करके मैं आपको दिखाता हूँ जीरोथ रो का जीरोथ सेल, यानी कि आईडी। अगर आप देखेंगे प्रॉपर अभी वेब ब्राउज़र में तो जीरोथ रो हमारा ये है जिसका जीरोथ सेल हमारा आईडी है। तो मगर मैं अगर इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, माई रो, और रॉ डिफाइन कर देते हैं, मेरा जीरोथ रॉ है और डिलीट सेल, और इसमें जो सेल डिलीट करना है उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया जीरो, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखिए आईडी आपका
डिलीट हो गया। उसी तरीके से अगर कुछ और डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे वह नहीं करना था बल्कि मुझे फर्स्ट रो का जीरोथ सेल करना है, तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो का जीरोथ सेल आपका गायब हो गया। इस तरीके से आपको वन वन दिखाई यहाँ नहीं दे रहा है। ओके सो गाइज, यही है आपका सेल्स प्रॉपर्टी, देन इंसर्ट सेल, देन डिलीट सेल। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप अब एक अच्छा सा टेबल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।